सुप्रभात दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ेंगे विलयन का भाग दो, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक मोल अवधारणा, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जिसे मैं इजीएस्ट वे में बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट भी करें कि ये वीडियो कैसी लगी। और वन मोर थिंग्स, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अपनी फेसबुक वॉल व्हाट्सएप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल सके। कल वाली वीडियो में भी ठीक ही रहा, बहुत अच्छा भी नहीं, बट आपको ही आप जैसा रिस्पांस करेंगे तो वीडियो तभी हम आगे को कंटिन्यू कर पाएंगे हिंदी में, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मोल अवधारणा को पहले मैं एक बार डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगी। तो डेफिनेशन है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें ठीक उतने ही कण उपस्थित हों जितने 12 ग्राम C12 में होते हैं, एक मोल कहलाता है, ठीक। या दूसरी डेफिनेशन कहें तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 12 ग्राम C12 के समान हो, एक मोल कहलाती है, ठीक है, कहलाती है कह सकते हैं, ठीक है। तो शायद अभी ये डेफिनेशन आपको समझ ही नहीं आई होगी क्या कहा, तो मैं आपको एग्जांपल से समझ जाती हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता है शुरुआत में मिलीलीटर, लीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये कहाँ से आए, तो ये माने गए ना, मानक हैं, मतलब मान लिए गए। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक मान लिया, ठीक है। उन्होंने कहा हम किसी पदार्थ की मात्रा को मोल से निकालेंगे, ठीक है। किसी पदार्थ की मात्रा को अगर चेक करना है तो हम मोल में चेक करेंगे। तो उन्होंने कहा तो मोल कैसे चेक करेंगे, तो एक मोल किसके बराबर होगा, तो शुरुआत में उन्होंने बोला एक मोल एक हाइड्रोजन ग्राम, मतलब हाइड्रोजन का जो है एक ग्राम के बराबर होगा। कुछ साइंटिस्ट और आए, उन्होंने कहा नहीं, कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14, तो उसमें से जो कार्बन 12 होता है, ठीक है, कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है, मतलब जिसे कहते हैं समस्थानिक, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बन 12, 13 और 14, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कार्बन 12 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उन्होंने कहा इसको ले लेते हैं मानक के रूप में, ये ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने मान लिया, लिखित कह दिया कि एक मोल किसके बराबर मान लेंगे हम, 12 ग्राम, और 12 ग्राम किसका, कार्बन 12 का। देखिए, कार्बन 12 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन तीन रूपों में पाया जाता है, 12, 13 और 14 में, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम को हम कितना मानते हैं, एक मोल, ठीक। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने एक बैलेंस ली है, बैलेंस मतलब मैंने एक तराजू लिया हुआ है, दिख रहा है आपको। इस तराजू में उन्होंने क्या किया, एक तराजू में उन्होंने रख दिया 12 ग्राम कार्बन 12 का, ठीक है, कार्बन 12 जो होता है समस्थानिक, इसके 12 ग्राम ले लिए, मतलब इसको हमने क्या मान लिया, एक मोल। तो एक तराजू में उन्होंने कितना रख दिया, एक मोल। और दूसरे, अब उनको मापना था कोई पदार्थ, ठीक है, कोई पदार्थ मापना था, एक मोल है या नहीं है। तो एक तराजू में उन्होंने ये रख दिया, तो अभी इसका भार है, इसमें कोई भार नहीं है, ठीक है, तो ये भारी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। आपने तराजू तो देखा ही होगा ना, तराजू देखा है, जैसे यहाँ पर भार है, तो ये नीचे की ओर को जाएगा, तो इसका वेट ज़्यादा है। अब इसमें कोई पदार्थ आप रख रहे हैं, जैसे आपने मिट्टी रख दी, चीनी रख दी, मान लीजिए चीनी रख दी, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपने कुछ भी करके आपने सोचना है ये चीनी की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए, एक मोल। तो आप थोड़ा 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 करके इस वाले तराजू में चीनी डालते जाएंगे, तो जैसे जैसे चीनी डालते जाएंगे, ये वाला पलड़ा जो नीचे था, क्योंकि इसमें एक मोल उपस्थित है, भारी है, नीचे था, तो जैसे ही इसमें धीरे धीरे आप क्या करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चीनी डालते जाएंगे, तो ये पलड़ा, जैसे ये नीचे है, ये ऊपर है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पलड़ा दोनों बराबर आ जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि दोनों तराजू, दोनों पलड़े बिल्कुल बराबरी में, सीध में आ जाएंगे। तो वो कंडीशन, जब ये दोनों तराजू एक सीध में आ जाएंगे, तो हम कह देंगे हमने यहाँ भी उतनी ही चीनी ले ली है जितने की यहाँ है, मतलब जितना ये कार्बन 12 के एक मोल आपने यहाँ लिए हैं, तो आपने चीनी का भी एक मोल यहाँ ले लिया। तो आपको समझ में आ गया मीजरमेंट उन्होंने किस तरीके से किया। उन्होंने कहा एक मोल में, अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको, एक मोल किसको माना उन्होंने, कार्बन 12 को, और यहाँ पर कोई पदार्थ रख रहे हैं,
और पदार्थ डालते जा रहे हैं, और कब तक डालते जाएंगे, जबकि दोनों पलड़े बराबर ना आ जाए, मतलब जब जितने वन मोल है उतने ही बिल्कुल वन मोल यहाँ भी हो जाए। तो ये कह रहा किसी पदार्थ की वह मात्रा, ये है किसी पदार्थ की वह मात्रा जो किसके बराबर हो जाए, कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम के बराबर, मतलब जब ये दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे तो वो कहलाता है मोल। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो कार्बन 12 के 12 ग्राम मोल के बराबर हो जाए, 12 ग्राम के बराबर हो जाए, वो क्या कहलाएगा, एक मोल, क्योंकि 12 ग्राम C12 को एक मोल कहा है, तो यहां पर भी जो रख देंगे बराबरी में आने पर, ये भी क्या कहलाएगा, एक मोल। एक डेफिनेशन निकल के आ गई कि एक मोल होगा किसके बराबर, कार्बन 12 के 12 ग्राम के बराबर, या कह सकते हैं किसी पदार्थ की मात्रा बराबर C12 के 12 ग्राम बराबर एक मोल, यही तो है, सब बराबर आ गए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। एक चीज हमें पता चल गई कि 12 ग्राम C12 जो होता है वो किसके बराबर होगा, एक मोल के बराबर, और वो होगा किसके बराबर, किसी भी पदार्थ की मात्रा के बराबर। अब दूसरी परिभाषा में आते हैं, ये वाली परिभाषा जो ऊपर वाली मैंने बताई थी, ठीक है। तो अब हम दूसरे तरीके से, उन्होंने कैसे किया, उन्होंने क्या किया, 12 ग्राम ले लिया कार्बन 12 का, एक तराजू लिया, इस तराजू के एक पलड़े में उन्होंने रख दिया कार्बन 12 के 12 ग्राम, ठीक है, एक कार्बन का, कार्बन 12 जो है समस्थानिक, इसके 12 ग्राम रख दिए, ठीक है। तो इसका बांट क्या हो जाएगा, ये जो होगा पलड़ा नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भारी है और इसमें अभी कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अब इस वाले पलड़े में थोड़ा थोड़ा करके आप चीनी रखते गए, ठीक है, समझ लीजिए कोई पदार्थ है, उसके कण आप डालते गए, अभी कणों की बात हो रही, आप डालते गए, ठीक है। तो डालते गए, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही तराजू के दोनों पलड़े बराबर हुए, तो आपने कहा जितना यहां है बिल्कुल उतना ही यहां आ चुका है, मतलब ये 12 ग्राम C12 को हमने कितना माला था, एक मोल, तो हमने कहा एक मोल यहां है और उतना ही यहां आ चुका है। तो यहां आपने देखा कि ये कण के रूप में है, जो आपने पदार्थ लिया है कण के रूप में है। तो अब आपने क्या किया, इन कणों को गिना, ये एक तरीका है समझाने का आपको, इन कणों को गिना। तो जब आपने इन कणों को गिना तो ये कुल कण कितने निकले, 6.022 × 10²³। बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, प्लस है, हाँ ये माइनस नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, 6.022 × 10²³। सोचिए कितना ज्यादा है ना। तो तब उन्होंने कहा 12 ग्राम कार्बन रखा था, इसमें मैंने चीनी डालते गए, तो जब ये बराबरी पर आए तो इसके कण कितने निकले, टोटल इसके कण गिने गए, 3-4 दिन लगे, तो इसमें लग गए 6.022, इतने कण मिले। तो उन्होंने ये मान लिया, एक नया फॉर्मूला निकाला, उन्होंने कहा इसका मतलब है कि ये जो एक मोल आपने रखा था 12 ग्राम कार्बन 12, या इसे कहते हैं एक मोल, ये इसके बराबर होगा, किसके बराबर, जितने कण निकले हैं। तो कण कितने हैं, 6.022 × 10²³। तो यहाँ से एक फॉर्मूलाइज किया, एक नया फॉर्मूला, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक मोल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 6.022 × 10²³। तो अब आते हैं पहली डेफिनेशन में, अब आपको ये पहली डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो पहली डेफिनेशन क्या है, देखिएगा, पहली डेफिनेशन देखिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा, हमें निकालनी है वो पदार्थ की मात्रा, जिसमें कितने कण होने चाहिए, जिसमें ठीक उतने ही कण होने चाहिए जितने की क्या है, 12 ग्राम में है, ठीक है। देखिए ये कोई अदर पदार्थ था, कोई अलग पदार्थ था, उसमें उतने ही कण होने चाहिए जितने की 12 ग्राम में है। तो ये दोनों बराबरी पर आ गए हैं, इसका मतलब है जितने कण इसमें है उसका मान किसके बराबर होगा, इस वन मोल के बराबर होगा। तो हमने इसीलिए कहा, एक डेफिनेशन ये है, ऐसे भी कह सकते हैं, एक मोल किसे कहते हैं, जिसमें 6.022 × 10², किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 × 10²³ कण उपस्थित होते हैं, वो मोल कहलाता है, एक परिभाषा ये है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या चीज है। तो इसमें देखिएगा, मैं एक इजिएस्ट वे में आपको बता रही हूं। तो जैसे कि देखिएगा, एक 1 dozen बनाना, ठीक है, मतलब एक दर्जन केले लेने के लिए आप बाजार गए, तो आप कितने केले लेके आएंगे, वहां से 12 केले लाएंगे ना, मींस फिक्स है कि एक दर्जन अगर आप बोलोगे केले दे दीजिए तो उसमें कितने आएंगे, 12 आएंगे, ठीक है, 12 केले। ठीक उसी प्रकार एक मोल में भी कितने कण आएंगे, 6.022 × 10²³ कण, अणु, आयन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं, वैसे एक मोल में कितना आते हैं कोई भी चीज, 6.022 × 10²³, इसको आप याद कर लीजिए। या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक मोल में कितना
ग्राम होता है कार्बन का 12 ग्राम, ये तो माना गया था, ठीक है। वैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर मैं कहूँ तो कितने कण होने चाहिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वही कंडीशन, एक मोल में कितने कण होंगे, तो कण की जगह यहाँ पर हटा के इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो 6.022 × 10²³ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं परमाणु कहूँ एक मोल, तो रहेगा क्वांटिटी इतना, बस परमाणु बोल दूंगी। वैसे एक मोल अणु कहूँ तो क्वांटिटी इतनी रहेगी जितनी मात्रा कही है, बस अणु लिख देंगे यहाँ पर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो, ठीक। अब जैसे कि आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्रव्यमान की। अब इसको आपने फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आते हैं मोल्स के, वो इसी पर बेस्ड होते हैं। तो इजी कोशिश मैंने की है कि आपको इजीएस्ट वे में बताया जाए, मैंने कोशिश ये करी है। तो आपको सबसे पहले बात करनी है द्रव्यमान की। जब भी आपसे बात की जाए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मतलब भार, ठीक है। आपको समझना है द्रव्यमान मतलब भार, ज्यादातर W से इसे दिखाते हैं, द्रव्यमान मतलब W, ठीक है। तो द्रव्यमान हम जो निकालेंगे, या तो परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे या फिर अणु का द्रव्यमान निकालेंगे। आपको पता है परमाणु क्या होता है, अकेला एटम, अकेला अकेला होता है, जैसे H, Cl, खाली Br, ठीक है, हीलियम HE, तो ये एटम है, परमाणु है। और दूसरा होता है मॉलिक्यूल या अणु। जब दो एटम या दो परमाणु या तीन परमाणु, चार परमाणु आपस में मिल जाते हैं, तो वो बनाते हैं अणु। अणु बड़ा कण होता है, बस इतना समझिए। जैसे H2O NH3, उसमें ढेर सारे एटम, जैसे NH3 की बात करें, एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन परमाणु मिले हैं, तो अणु बना है। बस ध्यान रखना, परमाणु सबसे छोटा हो गया और अणु थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। परमाणु में अकेला होता है और अणु ढेर सारे लोग साथ रहते हैं। तो परमाणु में आते हैं पहले। तो परमाणु में दो प्रकार के द्रव्यमान पड़ेंगे हम, दो प्रकार के द्रव्यमान होंगे। एक होगा परमाणविक द्रव्यमान या परमाणवी द्रव्यमान, और दूसरा होता है मोलर द्रव्यमान। तो परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, सिंपल द्रव्यमान, वो कहलाएगा परमाणविक द्रव्यमान। अभी सिंपल द्रव्यमान क्या चीज है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, ये हाइड्रोजन एक परमाणु है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, सीधे वन। तो वन हम यू भी लिख सकते हैं, यू होता है यूनिफाइड मास इकाईकृत द्रव्यमान, या फिर इसको कह सकते हैं, शुरू में यूज किया जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब परमाणविक द्रव्यमान इकाई, इससे भी प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो द्रव्यमान लगभग इसका दुगना होता है। इसके एक ट्रिक भी है जो मैं अपलोड कर दूंगी। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, कार्बन अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12। तो खाली 12 ना लिख के हम लिख देंगे यू, यू मतलब इकाईकृत द्रव्यमान। तो जैसे ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक 8 है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा उसका, दुगुना, कितना, 16 इकाईकृत द्रव्यमान, यू या AMU, कुछ भी, ठीक है। तो ये तो हो गया परमाणुविक द्रव्यमान, एक साधारण द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब दूसरा आ गया मोलर द्रव्यमान। अब ये मोलर द्रव्यमान, इसी का इंपोर्टेंस है, नाम से ही लग रहा है मोलर, मोलर मतलब जिसमें मोल शब्द आ रहे, तो इसका इंपोर्टेंस है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान को पहचानोगे कैसे, अगर कोई भी द्रव्यमान ग्राम में लिखा है तो समझ लेना वो कौन सा द्रव्यमान है, अगर वो ग्राम में दिया है तो वो क्या है, मोलर द्रव्यमान है। तो मोलर द्रव्यमान, अगर परमाणु का मोलर द्रव्यमान की बात आएगी, अगर परमाणु के मोलर द्रव्यमान की बात आएगी, तो आप समझ लेना वो क्या है, GAM, क्या, गुड मॉर्निंग मैडम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मतलब ग्राम में, एटॉमिक मतलब परमाणु का, और मास मतलब द्रव्यमान। अगर परमाणु की बात की जाए और ग्राम में द्रव्यमान दिया हो, तो आप समझ लेना वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, जिसे शॉर्ट में हम GAM, गुड मॉर्निंग मैडम, ये तो फनी वे में है, ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले में, अणु में, ठीक है। अणु थोड़ा बड़ा कण होता है, तो इसमें भी दो टाइप के द्रव्यमान होते हैं, एक तो आणविक द्रव्यमान, साधारण द्रव्यमान, और दूसरा होगा मोलर द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान वही होगा जो अणु दिया है उसके सारे एटम को जोड़ दो। जैसे इसमें दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, इनको जोड़ दो तो ये अणु का द्रव्यमान आ जाएगा 18, ठीक है। ऐसे NH3 का आ गया, जोड़ के देख लीजिए 17। तो इसको एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, या यू भी लिख सकते हैं, दोनों यू और AMU एक ही चीज है। अभी तो हो गया सिंपल द्रव्यमान, अब आते हैं मोलर द्रव्यमान। फिर बात वही, मोलर द्रव्यमान है मतलब मोल का कॉन्सेप्ट यहीं पर लगेगा। तो मोलर द्रव्यमान को पहचानना कैसे, अगर ग्राम में दिया है तो मोलर द्रव्यमान है। तो अगर मोलर द्रव्यमान अणु के लिए निकाला जाए, अगर मोलर द्रव्यमान अणु के लिए निकाला जाए, तो उस समय उसे कहेंगे ग्राम आणविक द्रव्यमान,
ग्राम में है और किसका द्रव्यमान है, अणु का, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान जिसे कहेंगे जीएमएम। गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक है, ये था गुड आफ्टरनून मैडम और ये है गुड मॉर्निंग मैडम। तो वैसे जो है ये तो फनी वे में था, वैसे इसे कहेंगे ग्राम, एम से होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आणविक, और एम से हो जाएगा मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान। इसको इसी तरीके से याद करिएगा, परमाणु के लिए होगा जीएम, ए पहले आता है, और अणु बड़ा होता है तो इसके लिए एम, बड़ा लेटर, ठीक है, जीएमएम। अब आ गए हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जिसे हम कहते हैं फॉर्म्यूले। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है, डेफिनेशन आपने पढ़ ली, मेन डेफिनेशन थी, इसके अलावा फॉर्म्यूलेज होते हैं, उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बना रही हूँ। आपको ये फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, आप भी ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो क्या है, हमें निकालना होता है, क्वेश्चन में जो आता है वो आता है मोल। तो मोल हम अणुओं का भी निकाल सकते हैं, अभी बताया था, परमाणु का भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा कणों का भी आ सकते हैं, कण के बारे में भी पूछा जा सकता है, और गैस की कंडीशन आयतन के रूप में भी दिया जा सकता है। तो फॉर्मूले हैं, बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे परमाणु से शुरू करते हैं, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं, ठीक है। तो मोल इक्वल टू होता है, आसान, मोल को एन से दिखाते हैं, स्मॉल एन से, मोल स्मॉल एन से दिखाते हैं, तो मोल स्मॉल एन इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम। अब ये कौन सा एम है, ये है परमाणु वाला, तो परमाणु को कहते हैं एटम, तो ये कौन सा वाला हो जाएगा, एम ना लिख के इसको जी ए एम लिख देंगे, ठीक है, आप कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, मुझे यही ज्यादा इजी लगता है, मैं डब्ल्यू वाई एम ही याद करती हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीका एम नहीं है, आप लिखेंगे जी एम, जी ए मतलब ग्राम एटोमिक मास, ग्राम परमाणुविक मास, द्रव्यमान, अणु परमाणु का द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोल इक्वल टू एक फॉर्मूला डब्ल्यू बाई एम, मतलब डब्ल्यू बाई जी एम, ये तो परमाणु के लिए। अब बात आई है, बस जी एम जो है वो मोलर द्रव्यमान है, बस इतना ध्यान रखें, मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं, और जो डब्ल्यू है वो भी ग्राम में द्रव्यमान होगा, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है, और जी एम खुद निकाल लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। मोल मोल, अब हम बात कर रहे हैं अणु का, हमें मोल निकालना है, मान लीजिए आपसे पूछा, कहा गया कि इस अणु का मोल निकालिए, ठीक है, कितने मोल होंगे, तो अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं, इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, N इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, दिख रहा है आपको डब्ल्यू बाई एम, यहां भी क्या दिख रहा है डब्ल्यू बाई एम, बस अंतर क्या है, जब परमाणु की बात की थी तो जी ए आ गया था, और जब अणु की बात करेंगे तो जी एम, बस हैं दोनों द्रव्यमानी, ठीक है। तो अणु का फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, मोल N इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी एम एम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान हम निकाल लेंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालना है, और W जो है क्वेश्चन में दिया होगा, ये भी ग्राम में ही होता है। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले की ओर, तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको कण निकालने हो, आपसे पूछा जाए कुल परमाणु कितने हैं, कुल आयन कितने हैं, कुल अणु कितने हैं, या कुल परमाणु कितने हैं, या कुल कणों की संख्या कितनी है, एक एक करके अलग अलग कण पूछे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने हैं, जब भी कितने अणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, कितने कण होंगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला है मोल, मोल एन इक्वल टू होगा कैपिटल एन, कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अवोगाड्रो संख्या, वो होती है 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। तो ये कैपिटल एन है क्या, कैपिटल एन है कणों की संख्या जो आपको दी जाएगी, ठीक है, या अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, तो आपको ध्यान रखना है आयन की संख्या, ठीक है, एन होगी संख्या किसी चीज की। अब आते हैं लास्ट फॉर्मूले में, इसका यूज थोड़ा सा कम ही होता है, फिर भी हम बताएंगे इसको। तो अगर गैस की बात हो कि इतने इतने ml गैस या इतने लीटर गैस है, वो सामान्य ताप दाब पर इतना स्थान घेर रही है, तो उसमें मोलों की संख्या बताओ, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा गैस का जिसमें आपको आयतन दिया हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आयतन इनमें से कहीं भी नहीं है, यहां भी द्रव्यमान की बात की गई है, यहां भी द्रव्यमान की बात की गई है, यहां कणों की संख्या की बात की है, अब आ गया यहां पर आयतन की बात, तो आपको आयतन दिया हो तो सीधे समझ लेना ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कंडीशन होनी चाहिए सामान्य ताप दाब की, मतलब एसटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी कह सकते हैं, या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो उस कंडीशन में सामान्य ताप दाब क्या होता है, जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस
या कह सकते हैं 273 केल्विन और दाब एक वायुमंडलीय दाब हो तो उस कंडीशन को सामान्य ताप दाब कहते हैं, एसटीपी कहते हैं। तो ये कंडीशन होना जरूरी है तभी फॉर्मूला लगाएंगे। तो उस समय मोल का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वी अपॉन 22.4 लीटर, ये वी है आयतन जो आपको दिया गया होगा, अपॉन 22.4 लीटर। और ध्यान रखना है जो ऊपर वी दिया है ये भी लीटर में ही होना चाहिए। अगर ये एमएल में दिया गया होगा तो या तो इसको लीटर में चेंज करोगे, है ना, ये नीचे मतलब दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर वी जो आपको वहां से वो आयतन दिया है वो एमएल में है तो इसको भी एमएल में बदलोगे, और अगर वो लीटर में है तो ये तो पहले से ही लीटर में है, दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन भी, इकाइयों को मात्रकों को बदलना भी मैं बताऊंगी आगे, पहले हम इसको करते हैं। अब देखिएगा मोल मतलब डब्ल्यू बाई एम भी होता है, मोल मतलब डब्ल्यू बाई एम, मोल मतलब एन बाई इतना 6.022 × 10²³, और मोल मतलब भी होता है V अपॉन 22.4 लीटर। तो इसका मतलब है ये चारों के चारों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि मोल इक्वल टू होता है W अपॉन GM, GM की जगह M लिख लीजिए आपको टफ ना लगे, ठीक है। और दूसरा होता है N इक्वल टू वही W बाई GMM, तीसरा N अपॉन 6.022 × 10²³, और लास्ट होता है V अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये होता है, इन सभी से हम क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किसी दो को ले सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है V आयतन, उसने दिया है आयतन दिया है तो वो कह रहा है कणों की संख्या निकालो, तो इन दोनों को एक साथ रख दोगे, इतना बराबर इतना, तो ये आपको दिया गया है ये निकाल लोगे। या अगर आपसे पूछ रहे हैं कि परमाणु का, परमाणु ये है, परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो कणों की संख्या निकालो, तो कणों की संख्या n ये है और द्रव्यमान ये है, तो इन दोनों को लगाइएगा W अपॉन GM इक्वल टू ये। तो समझ में आ गया, जिसको जो जो चीज दी है केवल उन दो फॉर्मूले को लगाइएगा, अगर एक ही फॉर्मूले से काम बन जा रहा है तो एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक मोल इक्वल टू होता है, एक मोल बराबर कितना होता है, अभी बताया था मैंने शुरुआत से 12 ग्राम कार्बन 12 की, या फिर दूसरा तराजू जो मैंने बताया था उसमें कितने रखे थे कण, 6.022 × 10²³ कण, आयन भी हो सकते हैं, या फिर अगर परमाणुओं की परमाणु है कहें तो 6.022 × 10²³ परमाणु, अणु के रूप में कहें तो इतना ही होगा, या फिर एक मोल इक्वल टू होता है एक ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटॉमिक मास भी एक मोल के बराबर होते हैं, मतलब ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, या फिर एक मोल इक्वल टू होता है एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान, या इसके अलावा बताया था एक मोल इक्वल टू होता है मोलर आयतन, और मोलर आयतन कितना होता है सामान्य ताप दाब पर 22.4 लीटर, या फिर कह सकते हैं एक मोल इक्वल टू होता है एक ग्राम परमाणु या एक ग्राम अणु, इस पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब हम थोड़े से मास आपको मैं बता देना चाहती हूँ न्यूमेरिकल करने से पहले, हाइड्रोजन का मास जो होगा ग्राम एटॉमिक मास हम लेंगे 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फॉस्फोरस का 31 और सल्फर का 32। ये हमने सिंपल निकाले हैं, जो इनका परमाणु क्रमांक होता है उसका दुगुना कर देते हैं तो आ जाते हैं द्रव्यमान, सम संख्याएं जो होती हैं उसका दुगुना किया जाता है, अगर विषम परमाणु क्रमांक है तो दुगुने में एक जोड़ दिया जाता है, ये ट्रिक है। तो अब कुछ हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा हमें आया या नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, बाकी क्वेश्चन भी मैं करूँगी, लेकिन आप क्या कीजिएगा वीडियो को पॉज करके एक बार इनको देख लीजिएगा क्या आप खुद से कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो सोडियम के 2.3 ग्राम में मोलों की संख्या निकालनी है, तो पहले गिवन लिखेंगे, कभी भी आप न्यूमेरिकल करते हैं ट्वेल्थ बोर्ड वाले स्टूडेंट या बीएससी वाले स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं बता दूं, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखें गिवन, गिवन मतलब दिया है लिख सकते हैं या गिवन लिख सकते हैं, क्या क्या दिया है 2.3 ग्राम, तो जब भी आपको ग्राम लिखने को दे तो आप समझ लीजिए आपको W दिया है, अगर ग्राम लिखा है मतलब आपको W दिया गया है, ठीक है, कितना दिया है 2.3, ठीक है, तो W आपको दे दिया 2.3 ग्राम, तो आप समझ लेना W मतलब भार द्रव्यमान दिया है। अब बात करते हैं इसके बाद मोलों की संख्या हमें निकालनी है, वो कह रहा है मोलों की संख्या ज्ञात करो N, मोलों की संख्या होती है N, ये निकालनी है, बाकी तो कुछ नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो अब हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमको दिया गया है, हमें वो फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें W और N आता हो, तो हम ढूंढते हैं, तो ढूंढे वो फॉर्मूला जिसमें W और N आता हो, देखिए
W, इनमें से कोई भी उठा लो, मैंने बोला था W बाई M, W बाई M ही है, ठीक है ठीक है, कोई भी उठा लो W, ठीक है W अपॉन M लिख देंगे हम सरल से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला W वाला उठाओ और एक वो उठाओ जिसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, N निकालना है, तो N ये निकालेंगे, इसका मतलब है इन दोनों को देखो बस, N इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन M, यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी। तो आपको पता है इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, क्योंकि उसने कहा है एन निकालो और डब्ल्यू दिया है, ठीक है। तो इसको लगाते हैं, तो देखिएगा एक चीज बता दूं, सोडियम एक परमाणु है इसलिए मैंने जी ए एम वाला फॉर्मूला लगाया, ए मतलब एटम, एटम वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब आपको पता है एन हमें निकालना है, डब्ल्यू हमें दिया गया है, तो जी ए एम हमको खुद ही पता होता है, तो उसने सोडियम दे दिया है, तो जी एम ग्राम एटॉमिक मास हम खुद निकाल सकते हैं। तो ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ये एक प्रकार से अणुभार है, कैसे निकालते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो द्रव्यमान हो जाएगा, विषम संख्या है ना, तो दुगने से दो एक ज्यादा, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तो दुगना कीजिए 22, और विषम संख्या है तो एक जोड़ देंगे, तो क्या आ गया 23, 23 हो गया ग्राम एटॉमिक मास। तो हम लिख लेंगे, वैल्यू रख देंगे W का 2.3 हो गया, और GM जो है ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का 23, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कट करेंगे तो ये आ गया 0.1 मोल, ठीक है, कट करके ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। क्वेश्चन पढ़ो पहले, 64 ग्राम O2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात 64 ग्राम दिया है, ग्राम जब भी दे तो समझ लेना हमें W निकालना है, ठीक है, W दिया है, कितना दिया है 64 ग्राम, O2 ऑक्सीजन दिया है, ठीक है, इससे तो अभी कोई मतलब नहीं है, मोलों की संख्या निकालनी है, मोल मतलब N निकालना है हमें। तो फिर से समझ गए होंगे, यही फॉर्मूला हमें फिर से लगाना है। अब देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, N इक्वल टू W बाई M, सिंपल M लिख सकते हैं अगर आपको जी एम जी एम एम में कंफ्यूजन हो रही, लेकिन देखिएगा इसमें O2 है, O2 क्या होता है, अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल, तो M वाला लेंगे इसमें, ठीक है, अणु बड़ा होता है तो बड़ा वाला फॉर्मूला लेंगे जी एम एम वाला। तो इसमें आपको पता है W हमें दिया गया है, N हमें निकालना है और जी एम एम हमें पता होता है, तो कैसे निकालेंगे जी एम, O2 का निकालना है, O2 दो ऑक्सीजन से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो जी एम एम आ गया 32, वैल्यू पुट करते हैं तो W हो गया 64 ग्राम और जी एम एम जो हो गया हमारा ये आ गया 32, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 times, तो 2 मोल आ गए, तो 64 ग्राम O2 में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd में है 2 मोल 2 मोल H2 अणुओं में उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए। ये कह रहा है H2 के अणु दिए गए हैं, 2 मोल H2 के अणु में कुल कितने अणु होंगे। तो अब हम देखते हैं गिवन में क्या क्या हमें दिया गया है, तो सबसे पहले उसने दिया है 2 मोल, मोल मतलब N दिया है, N कितना दिया है 2 मोल हमने लिख लिया, और कुछ दिया है नहीं दिया है, निकालना क्या है अणुओं की संख्या। मैंने कहा था जब भी कभी हम शब्द यूज करें संख्या, तो संख्या मतलब हमें कैपिटल N निकालना है, ठीक है, कैपिटल N निकालना है। तो अब हम पहले देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कैपिटल N और स्मॉल N दोनों आता हो। तो देखिए इन चारों में से ये है जिसमें कैपिटल N और स्मॉल N दोनों आता हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार देखिएगा N, देखिए N हमें पता है, N कैपिटल M हमें निकालना है, कैपिटल N मतलब अणुओं की संख्या, कणों की संख्या निकालनी है, तो और कुछ चीज की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर हमें जी ए एम जी एम एम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं वैल्यू पुट करते हैं, एन की जगह लिख दिया मैंने 2 मोल इक्वल टू कैपिटल एम, एन हमें निकालना है इनटू अपॉन, तो हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद ये देखिए एन निकालना है कैपिटल एम, तो इसको यहाँ लेके जाइए, यहाँ जाके मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, गुणा करने के बाद ये आ गया 12.0444×10³³ अणु, किसके अणु, ऑक्सीजन के अणु ही पूछे थे, सॉरी किसके, ऑक्सीजन के नहीं H2 के अणु, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 12.044×10²³ कणों में उपस्थित मोलों की संख्या बताइए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन, गिवन हमें क्या क्या है, तो सबसे पहले कण, कणों की संख्या दी है, ये दिख रहा है इतने कण, कण मतलब ये संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, संख्या को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से, जब भी संख्या की बात आए तो कैपिटल एन लिखेंगे, वो दी है
ये हमने लिख दिया वैल्यू, ये कणों की संख्या कैपिटल एन इतना दिया है। अब कह रहा मोलों की संख्या मतलब स्मॉल एन निकालना है, तो अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया था जिसमें कैपिटल एन और स्मॉल एन होना चाहिए वही वाला लगाएंगे, तो दोबारा ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर उस समय हमने इसकी वैल्यू रखी थी, इस समय क्या दिया है एन दिया है, एन हमें दिया है यहाँ रखेंगे और अपॉन उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो देख लीजिए ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, कैपिटल एन ये रख दिया और ये तो एवोगैड्रो नंबर है तो इसको कट करेंगे, 10^23 से 23 कैंसिल और 6.022 से ये कटेगा टू टाइम्स, दो बार कटेगा, ठीक है, 6 × 2 = 12 देख लीजिए। तो ये आंसर आ गया हमारा एन इक्वस टू 2 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ताप दाब एसटीपी पर किसी गैस के 11.2 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, आयतन दिया है मीन्स वी दिया है कितना 11.2 लीटर, मैं क्या निकालना है मोलों की संख्या मतलब क्या निकालना है एन निकालना है, मोल निकालने हैं तो एन निकालने हैं, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें वी और एन आता हो। तो हम सर्च करते हैं जिसमें वी और एन आते होते, देखिए वी और एन इसमें आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमने वैल्यू रख दी, अब हम एन हमें निकालना है, वी की वैल्यू दी है यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो हमने वैल्यू रख दी है, वी है 11.2 अपॉन ये है 22.4, ये दोनों लीटर में ही है देख लीजिए, ये लीटर है और 22.4 भी लीटर ही है, ये यूनिट इकाइयाँ सेम होनी चाहिए, ये ml में है तो ये भी मिली, दोनों सेम लेंगे, ठीक है। तो ये कट किया तो ये कटा दो बार, तो ये आ गया ऊपर 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5, दो से एक को डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो 0.5 मोल आ गया आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 54 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले मैंने बताया था अगर ग्राम कहीं पर भी लिखा हो मीन्स आपको W दिया गया है, कितना दिया है 54 ग्राम किसके H2O के दिए हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अणुओं की संख्या, अणु परमाणु कणों की संख्या अगर पूछेगा तो संख्या पूछेगा तो मैंने बताया था क्या लगाना है इसमें, संख्या मतलब एन अणुओं की संख्या निकालनी है, ठीक है, H2O एक अणु है और अणु की संख्या निकालनी है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें W और N आता हो। तो हम इसमें ढूंढेंगे जिसमें W और M आता हो, N आता हो, N तो इसमें आ रहा है मतलब ये फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, और दूसरा जिसमें W आता हो, अब W इन दोनों में दो की बात हो रही है लेकिन जो हमने क्वेश्चन दिया उसमें O2 क्या है अणु, तो आपको अणु वाला फॉर्मूला लेना है मतलब इन दोनों को मतलब ये इसके बराबर होगा, मीन्स यहां से ढूंढो GMM वाला ले लीजिए ये उसको लेना है N के साथ, तो मतलब हमें ये लेना है, बाकी को छोड़ दीजिए, ये जो दिख रहा है ये हमारा फॉर्मूला क्योंकि इसमें W मिल जाएगा और N भी मिल जाएगा। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, वैल्यू पुट करते हैं, W की जगह हमने लिख दिया 54 ग्राम अपॉन GMM हमें पता होना चाहिए। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2O का निकालना है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का होता है एक तो दो हाइड्रोजन का हो जाएगा द्रव्यमान 2, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 तो 16 और 2 हो गया 18, तो GMM आ जाएगा हमारा 18। तो देखिएगा GMM हमने रख लिया 18, अब कैपिटल N हमें निकालना है और बाकी वैल्यू दी है, अब आपको N निकालना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ लेके जाइए, तो इसको हम यहाँ ले गए तो ये आ गया, अब आपको दिखाई दे रहा है 18 से हम 54 को डिवाइड कर देते हैं, तीन बार कटेगा तो 3 × 6.0 कर देंगे इससे, तो ये हो गया 3 × 6.022 × 10^23, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल एन मतलब 54 ग्राम H2O में जो H2O अणु होंगे उनकी संख्या कितनी होगी इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.044 × 10^23 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो, तो गिवेन है इतना, ये जो वैल्यू दी है ना 12.044 × 10^23 ध्यान रखिएगा इस टाइप की वैल्यू अगर दी है तो ये कण है, ग्राम नहीं लिखा है ना, अगर ग्राम लिखा होता तो द्रव्यमान होता, अगर ग्राम नहीं लिखा है तो समझ लो ये क्या है, या मोल भी नहीं लिखा है तो समझ लो ये कणों की संख्या है, तो आपने लिख दिया है कैपिटल एन आपको दिया है। अब देखिए ये तो हो गया कैपिटल एन दिया है, तो अब निकालना क्या है इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान निकालो, ठीक है, परमाणुओं की बात, परमाणु की बात हो रही है, परमाणु मतलब GAM वाला लगाएंगे, तो फॉर्मूला ढूंढते हैं जिसमें W और N हो, तो जिसमें GAM W और GAM हो, W GAM और उसको लगाना है उसके साथ जिसमें क्या दिया हो N दिया हो, तो N ये है और GAM वाला ये है, तो इन दो फॉर्मूलों को लगाएंगे, इन दोनों को,
तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया ये वाला। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं जो दी गई हैं। तो देखिएगा इसमें हमने वैल्यू तो पुट कर दी। अब जीएम आप कहेंगे कि हमने जीएम नहीं बताया है, तो आप ध्यान रखिएगा ग्राम एटॉमिक मास की अगर बात करें तो एक ऑक्सीजन का एटम का कह रहा, परमाणु का कह रहा, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। ठीक है, तो जीएम आ गया हमारा 16। तो सॉरी यहाँ पर भी मिस्टेक होगी, वैल्यू पुट करी यहाँ पर हम 16 लिखेंगे क्योंकि एटॉमिक मास है। अब इससे देखिएगा ये वैल्यू पुट करने के बाद इससे ये 2 times कटेगा। अब 16 को यहाँ लेके जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी W की, W इक्वस टू ये 16 यहाँ जाएगा 16 × 2 तो ये आ गया 32। तो ये क्या हो जाएगा 32 ग्राम, मतलब 12.044 × 10³³ ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा 32 ग्राम। तो हमने W लिख लिया है 36 ग्राम क्योंकि ग्राम दिया है तो W दिया होगा। इसके अलावा परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की कितने परमाणु होंगे कह रहा है, इसका मतलब है कि ये हमें N निकालना है। और अब ये NH4 एक अपने आप में एक अणु है तो इसका मैंने GMM लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो होगा नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो द्रव्यमान 14, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, तो ये टोटल हो गया 18। ठीक है, तो जोड़ के 14 और 4 हो गया 18। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ध्यान से तो सुनिएगा, NH4 क्या है, अणु है, लेकिन निकालना क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु। यहाँ पर कंडीशन बदलेगी, दिए हैं अणु NH4 एक अणु है, निकालना है हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के भी इसमें 4 हैं, एक परमाणु का निकालना है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया है ये वाला, क्योंकि जिसमें W और N आता हो तो ये फॉर्मूला लगा दिया, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये हो गया 36, ये 18, एन हमें निकालना है 6.022 एवोगैड्रो नंबर। तो 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 times कट गया, तो ये 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × ये, तो आ गया 12.044 × 10²³। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में जो ये NH4 है, पूरे मॉलिक्यूल में पार्टिकल की संख्या कितनी है, इतनी। तो हाइड्रोजन की निकालनी है, तो आपको पता है इसमें इस पूरे के कणों की संख्या कितनी है, इतनी। तो हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है इसमें, टोटल 4, तो 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तब हाइड्रोजन की निकलेगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कणों की संख्या इतना गुणा 4, तो मल्टीप्लाइड करेंगे जब 4 हाइड्रोजन से कुल मॉलिक्यूल्स के अणुओं की संख्या को, तो ये आ जाएगा 48.176 × 10²³। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 1.205 × 10²³ NH3 अणु का द्रव्यमान निकालो, गिवन है। तो इतने अणु मतलब अणुओं की संख्या दी है, जब भी इंटू वाला दिया हो, इंटू इतना, ग्राम नहीं दिया है, ग्राम दिया होता तो W होता है, अगर ग्राम नहीं दिया है या मोल नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली ये कणों की संख्या है, अणुओं की संख्या। तो NH3 के अणु मतलब कैपिटल N की संख्या इतनी है, तो हमें निकालना है द्रव्यमान मतलब W निकालना है, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें W और N आता हो, क्योंकि ये अणु की बात हो रही है तो GMM लगाएंगे। तो GMM जो है NH3 नाइट्रोजन का एक, 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14 और 3 17। अब वैल्यू पुट करते हैं, W हमें निकालना है, GMM है 17, N दिया है ये, और 17 को यहाँ लेके जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ गया, तो ये आ गया 3.4 ग्राम। आप भी करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 ग्राम मीथेन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको ध्यान रखना है इसमें कुछ अलग सा कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है मीथेन में, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो सबसे पहले हम कण निकालेंगे तब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं गिवेन, तो ये है W दिया गया है 1.6 ग्राम और N हमें निकालना है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पहले मॉलिक्यूल अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने खुद ही सपोज कर लिया कि मैं संख्या निकालनी है तो कैपिटल N। अब हमें अणु दिया है, मीथेन एक अणु होता है, तो GMM हमें पता होता है, मीथेन CH4 एक कार्बन का द्रव्यमान 12 और 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 4 का 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो वैल्यू पुट करते हैं ऐसा फॉर्मूला जिसमें W और N आता हो, तो वो ये फॉर्मूला है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट कर ली, अब इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 0.1 और अब ये आ गया इक्वल टू N / ये, तो इसको यहाँ ले जाइए मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो ये आंसर आ गया n, n इक्वस टू हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आ गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि 0.1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 1, तो 10 टू द पावर माइनस 1 से 23 घटाएंगे, मतलब 23 में से माइनस 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 22, तो ये आ गया हमारे टोटल कणों की संख्या। तो अब ये हमारे आगे पार्टिकल, अब हम निकालेंगे CH4 में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो CH4 में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन न CH4 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो हर कण में टोटल मॉलिक्यूल कितने आए हैं मीथेन के, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, मतलब इतने मॉलिक्यूल हैं। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी जितने अणु हैं हर एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतना गुणा 10 हो जाएगा, हर अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ध्यान रखिएगा 10 है ना, 10 की घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जुड़ जाएगा 22 से 1 23, तो आंसर आ गया मीथेन के 1.6 ग्राम में अणुओं की संख्या इतनी, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी। तो आप किसी में भी इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो वो अणु के इलेक्ट्रॉन पहले काउंट करोगे फिर लास्ट में गुणा करोगे अणुओं की संख्या से। तो आज हमने हर तरीके के क्वेश्चन कर लिए हैं जो मोल से रिलेटेड पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, या फिर अगर कहें नॉर्मल BSc में या 12th में, 11th के 11th का भी है ये, तो ये कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तो आप लोग और भी क्वेश्चन कीजिएगा, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उनको सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।